guess I just wanna go, go, go to the deep end. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर फ्रेंड्स आपके पास है आईटेल का A49 और इस फोन में आपको फोटो और वीडियो हाइड करना है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी ऑडियो या फिर डॉक्यूमेंट को आप हाइड करना चाहते हैं तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हाइड कर सकते हैं। उनको एक्सेस कैसे करना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अनहाइड करना चाहते हैं तो अनहाइड कैसे कर सकेंगे ये भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। बस वीडियो को देखते रहिए। आपके फोन में आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है जो कि फोन मास्टर नाम से देखने को मिलेगा। सिंपली आपको ये एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ इसका कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा, टूल्स बॉक्स देखने को मिलेगा बीच में, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इस टाइप से देखेगा, आपको हाइड ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको 4 अंकों का एक्सेस कोड बनाना है। कोड कुछ इस तरीके से बनाना है, पहले तो आपको दोबारा हैश टाइप करना है। हैश टाइप करने के बाद आप कोई भी 4 अंकों का कोड डाल दीजिए। जैसे आप यहाँ पर कोड डालेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, जैसे कि आई रिमेंबर आपको शो हो गया होगा। तो सिंपली आपको जैसे आई रिमेंबर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ कुछ इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। मतलब आपको मिडिल नेम हो सकता है डालने के लिए बोला जाए तो आप वो भी डाल दीजिए। अब इसके बाद आपको यहाँ इस टाइप से इंटरफेस हो जाएगा। तो आपको फोटो हाइड करना है तो फोटो पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको जाना है प्लस के आइकन पर और गैलरी सेलेक्ट करना है। तो गैलरी में से कौन से फोल्डर से अपने फोटो हाइड करना चाहते हैं उस फोल्डर की सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए ये फोटो हाइड करना है तो इस पर टैप एंड होल्ड करके रखिए और इस तरीके से फोटो के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। कन्फर्म कराइए तो आपके ये प्राइवेट एल्बम देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक करना होगा। आपके इस फोल्डर में ये फोटो आ जाएंगे, वहाँ से ये गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके से फोटो हाइड हो जाते हैं। अगर वीडियो हाइड करना है तो वीडियो के लिए वीडियो पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ प्लस के आइकन पर जाएंगे, जो भी फोन के अंदर वीडियो होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो एक एक करके उन वीडियो के लिए सेलेक्ट कीजिए और वापस आ जाइए। तो इस तरीके से आपकी वीडियो हाइड हो जाती है। अगर किसी ऑडियो के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है आपने उसको हाइड करना है तो रिकॉर्ड पर क्लिक करा के आप ऑडियो के लिए हाइड कर सकते हैं। तो ये सब फीचर फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस फोन के अंदर जिनको आप हाइड कर सकते हैं। इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस करने के लिए फ्रेंड्स आपको फिर से फोन मास्टर एप्लीकेशन में जाना होगा, एक्स हाइड में जाना होगा। जो भी आपने कोड बनाया था वो आपको लगाना होगा यहाँ पर, और आपके सामने अगर फोटो हाइड करना है, फोटो को देखना है तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। फोटो देखने के लिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आके, और इनको अनहाइड करना है तो अनहाइड करने के लिए एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर, देख सकते हैं एक्सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करा के आप कन्फर्म कर दीजिए तो ये अनहाइड हो जाता है। तो इस टाइप से इस फोन के अंदर फोटो वीडियो हाइड कर सकते हैं। और आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।